नमस्कार दोस्तों, एक बहुत अच्छी चीज़ आपको बताने वाला हूँ मैं आज। ये आप लोगों ने देखा होगा, आप इसको कैक्टस कह सकते हैं, या कैक्टस की एक वैरायटी है जो ब्राज़ील का है, पिकली पियर। ब्राज़ील की वैरायटी है ये, और इसको जो है लोग वहाँ पे खाते भी हैं, जिस तरीके से हम लोग ब्रेड वगैरह खाते हैं ना, वैसे इसको यूज़ करते हैं। और इसको गाय को या जो भी अपने पालतू जानवर होते हैं, गाय भैंस बकरी, इन सब के लिए, इवन मुर्गा मुर्गी को भी इसका जो है बारीक कर इसको खिलाया जाता है। लेकिन अपने यहाँ इंडिया में जो होता है वो जहरीली होती है, उसको आप मत खाइएगा। किसी को यदि इसके पौधे चाहिए तो मेरे यहाँ से वो ले सकते हैं। पिकली पियर एक ऐसा कैक्टस जिसको खाया जाता है, और ये खासकर ऐसी जगह, रेगिस्तान वाली जगह पे लगाया जाता है जहाँ पर पानी बहुत कम होता है। और मैंने भी इसको खा के देखा, काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है इसका। ये आपका कचनार, कचनार जो है इसको लोग, जिनको कैंसर हो जाता है या कुछ घाव हो जाते हैं गले में, उसके लिए उपयोग करते हैं इसको। बहुत सारी चीज़ें यहाँ लगा रखी हैं, चंदन भी लगा हुआ है, स्टीविया भी लगा हुआ है। ये आपका मॉलबेरी सहतूत, फास्ट ग्रोइंग प्लांट है। तो मेरे यहाँ पे लगभग 150-150 ऐसे अद्भुत प्लांट लगे हुए हैं जो आपको जानना चाहिए उसके बारे में। मैं एक सीरीज़ अभी बनाने वाला हूँ जिसमें सभी पौधों की जानकारी आपको देंगे हम। आज ये जो है पिकली पियर के बारे में था, एक यूनिक पौधा है जो आप अपने बाउंड्री का भी लगा सकते हैं, बाउंड्री पर, और इसका उपयोग करके आप अपना खाने का पैसा जो है मुर्गा मुर्गी बकरी मछली इन सब का बचा सकते हैं। तो मैं आपका मित्र अमित बमोरिया, अभी मोती मछली मशरूम कड़कनाथ मुर्गा, और आज ही फ्लोटेड फार्मिंग का हम लोगों ने एक ट्रायल किया था, वो भी काफ़ी अच्छा रहा, उसका भी वीडियो डला हुआ है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू।